हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी एजुकेशन आपका स्वागत है। और आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि जो बीएड धारक हैं उनके लिए एक खुशी का दिन है, क्योंकि जो बीएड वाले जो छात्र हैं या बीएड धारक हैं जो, वे अब प्राथमिक विद्यालय के भी टीचर बन सकते हैं और साथ ही वे सीटेट फर्स्ट और सेकेंड दोनों का ही फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं हम ये खबर क्या है और इसके बारे में। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए दोस्तों, ये आज का न्यूज़पेपर है, ये हिंदुस्तान का न्यूज़पेपर है। तो इसमें जानते हैं हम इसमें क्या दिया गया है। तो इसमें लिखा गया है कि बीएड बेरोजगार भी बनेंगे प्राइमरी स्कूलों के अध्यापक। तो चलिए दोस्तों, खबर को हम पूरा पढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पे लिखा है कि बीएड प्रशिक्षित बेरोजगार के लिए सरकारी स्कूलों में बेसिक शिक्षा बनने का रास्ता खुल गया है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी NCTE ने बेसिक शिक्षा के लिए DLED की शर्त में ढील दे दी है। अब बीएड प्रशिक्षित व्यक्ति भी बेसिक शिक्षा के लिए शिक्षक के पद के आवेदन कर सकते हैं यह जरूर है कि नियुक्ति के बाद 2 साल के भीतर उसे हर हाल में 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा। यह ब्रिज कोर्स प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाई करने के तरीकों को लेकर होगा। NCTE सदस्य ने जारी किया आदेश। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि जो NCTE है, NCTE ने प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के बाबत पूर्व में जारी अधिसूचना को संशोधित कर दिया। NCTE के सदस्य सचिव जो संजय अवस्थी हैं ने जारी किया है। इसमें कहा गया है कि बेसिक टीचर के लिए अब बीएड डिग्री धारक के आवेदन पर विचार किया जाएगा। NCTE ने वर्ष 2010 में शिक्षकों की नियुक्ति के मानकों में काफ़ी बदलाव किया था। इसके तहत बेसिक शिक्षक पद की पात्रता से बीएड को ख़त्म करते हुए DLED BLED अनिवार्य कर दिया था। उत्तराखंड की विशेष मांग पर वर्ष 2016 यह रियायत की गई। कई राज्य इस मानक के बदलाव की मांग कर रहे थे। उत्तराखंड ने भी DLED BLED प्रशिक्षकों की कमी को देखते हुए BLED प्रशिक्षकों को छूट की मांग की है। ठीक है, और देखिए दोस्तों, जो यहाँ पे DLED है, DLED के मानक की वजह से समस्या भी हो रही है। हाल ही में शुरू की गई बैकलॉग के पदों को भी शिक्षा विभाग इसी वजह से पूरी तरह से भर नहीं पाया है। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैं और बता दूँ, जो हमारा जो उत्तराखंड राज्य है, इसमें 60,000 करीब बीएड प्रशिक्षित की संख्या है और अभी भी यहाँ पर 1,000 जो यहाँ पर जो शिक्षक जो बेसिक शिक्षक है यहाँ पे अभी भी 1,000 पोस्ट अभी खाली है। यहाँ पे दिया गया है कि 1,000 पोस्ट अभी खाली है। तो देखिए दोस्तों, इससे बीएड वालों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि वो आप प्राइमरी की भी टीचर भर सकते हैं। इसके साथ साथ आपने देखा होगा, इसीलिए कुछ समय से यहाँ पर सीटेट के जो फॉर्म आने थे उसको भी रोक दिया गया था, क्योंकि उसमें काफ़ी बदलाव किए जा रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छी खबर है। इसके साथ अगर ऐसा होता है तो आप भी अब बीएड यहाँ पे जो सीटेट का जो फर्स्ट और सेकंड है दोनों फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि ये खबर सही है या गलत है। तो इसके लिए हम जांच करने के लिए सबसे पहले पहुँचते हैं जो इनकी अपनी साइड है, NCTE की साइड है। यहाँ पर देखते हैं कि क्या ये खबर यहाँ पर भी दी गई है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं हम। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम गूगल में जाकर NCTE सर्च करते हैं यहाँ पे। तो ये यहाँ पे खुल गया है NCTE की। तो यहाँ पे जो पहली साइट आपको दिखती है इस पर आपको क्लिक करना है यहाँ पे। तो ये हो गया है यहाँ पर, और ये देखिए यहाँ पे NCTE की जो ऑफिशियल साइट है ये खुल गई है। और यहाँ पे हम नीचे जाते हैं तो यहाँ पे हमको देखने को यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे जो फर्स्ट दिया गया यहाँ पे नोटिफिकेशन डेट 28 जून का, तो इसको हम क्लिक कर देते हैं। तो ये हो रहा है यहाँ पे डाउनलोड, और इसके बाद हम जानेंगे इसके बारे में कि क्या दिया गया है और क्या जानकारी है यहाँ पर। तो ये डाउनलोड हो रहा है PDF। तो ये हो गया हमारा PDF डाउनलोड, और ये देखिए। तो देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर दिया गया है, ये है NCTE की जो ऑफिशियल साइट है। तो यहाँ पर दिया गया है, और इसमें आपको सिर्फ 2 चीज़ों पे यहाँ पे ध्यान देना है। देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ दी है, लेकिन हम मेन उस पर आते हैं कि यहाँ पे क्या दिया गया। तो यहाँ फर्स्ट देखिए, यहाँ पे दिया गया उपरोक्त अधिसूचना के पैरा फर्स्ट अनुच्छेद 1 के शब्दों में कोष्टक में के बाद यहाँ से देखिए, स्नातक तथा प्राथमिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, ठीक है, निम्नलिखित में शामिल किया जाएगा। देखिए यहाँ पे लिया गया है कि 50% अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्नातक बीएड होना चाहिए। उपरोक्त अधिसूचना में पैरा 3 उप पैरा ए के स्थान पर निम्नलिखित उप पैरा होगा। यहाँ पे दिया गया है कि जिसमें एन सी
टीई द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। उस पर कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा, किंतु इस प्रकार अध्यापक के रूप में नियुक्ति व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के 2 वर्ष के भीतर NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु यानी ब्रिज कोर्स आवश्यक रूप से किया जाएगा। और यहाँ पर दिया भी गया है, जो यहाँ के सचिव हैं संजय अवस्थी, सदस्य सचिव। तो देखिए दोस्तों, ये खबर जो है वो पूरी सच है, कि क्योंकि हमने देखा जो NCTE की जो ऑफिशियल साइट है, तो इसमें दिया भी गया है। और इस प्रकार से तो देखिए दोस्तों, ये बीएड धारकों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि अब उनके लिए दो मौका मिल गया है कि वो प्राथमिक टीचर ही बन सकते हैं, और जूनियर के तो वो बनते ही थे। तो आपके लिए ये अच्छी खबर है। तो इसीलिए जो सीटेट के फॉर्म थे उनमें काफ़ी देरी हो रही थी, तो अब जल्दी सीटेट के फॉर्म भी आ जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, इसके लिए प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।